नमस्कार। कोरोना में दोनों लहरों में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य वह है महाराष्ट्र, लेकिन अब हालात सुधर रहे। एक तरफ मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत शहर में प्रशासन अब कोरोना पाबंदियों में और भी ढील देने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का फोकस शहर में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर है। इस बीच मुंबई में अब बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। आप सभी को बता दें, सीएम उद्धव ठाकरे ने सोमवार को मुंबई में कोविड टास्क फोर्स के साथ एक अहम बैठक की है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस बैठक में शहर में लगातार कम होते कोरोना मामले और शहर में कम होते कोविड डेथ रेट पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही सीएम ठाकरे ने शहर में लगी कोरोना पाबंदियों में और भी ढील देने का फैसला लिया। वहीं राज्य सरकार मुंबई में बच्चों को कोरोना टीका लगाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र सीएम ऑफिस ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने स्टेट टास्क फोर्स के साथ बैठक की है। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग को सलाह दी कि वह बच्चों को टीकाकरण पर अद्यतन के संबंध में भारत सरकार के साथ नियमित संपर्क में रहे और राज्य को मंजूरी मिलने के बाद तुरंत व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन के ताजा अपडेट के बारे में बात करें तो एक डोज वाले को भी लोकल ट्रेन में अनुमति मिलने पर चर्चा हो रही है। अभी फिलहाल सिर्फ दो डोज वाले की लोकल ट्रेन में अनुमति है, वो भी पास के जरिए लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, जो कि आम पब्लिक इससे खुश नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीओ अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई लोकल ट्रेन और महाराष्ट्र मुंबई की सभी सही और ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।